खबरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दिल्ली की सत्ता के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। 6 चरण के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि पीएम मोदी को जनता नकार चुकी है, बीजेपी की वापसी नहीं हो रही है। पिछली बार यूपी में उसे 73 सीटें मिली थी, इस बार वो 10 से 15 सीटों पर सिमट जाएगी। गोरखपुर के पार्क रोड स्थित एक होटल में मीडिया से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि यूपी में कम मतदान का कांग्रेस को सीधा फायदा होगा। कम मतदान का मतलब साफ है कि भाजपा का निराश वोटर घर से नहीं निकल रहा। कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में खूब मतदान हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि देश में इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। संसद में देश के विकास को लेकर भले ही रोना रोया जाता रहा हो, मगर तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सांसदों की संपत्ति पिछले 5 साल में 40% बढ़ गई है। इस बढ़त में सभी दलों के सांसद शामिल हैं। खास बात यह है कि इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर अधिकतम 8.2% रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ रहे 338 में से 335 मौजूदा सांसदों की औसत संपत्ति 23.65 करोड़ रुपए है। 2014 में यह आंकड़ा 16.7 करोड़ रुपए था, यानी 5 सालों में सांसदों की औसत संपत्ति 6.86 करोड़ रुपए बढ़ी है। ADR ने 17वीं लोकसभा चुनाव के 8,049 में से 7,928 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इनमें से 29% की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। भाजपा के 79%, कांग्रेस के 71% उम्मीदवार करोड़पति है, बसपा के 17 और सपा के 8 प्रत्याशी करोड़पति है। जेट एयरवेज के डिप्टी सीईओ और CFO अमित अग्रवाल ने निजी कारणों से जेट एयरवेज से इस्तीफा दे दिया है। जेट एयरवेज अब कभी अपने पुराने रंगत में नहीं लौट सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जेट दोबारा शुरू भी हुई तो इस विमानन कंपनी का आकार पहले के मुकाबले आधा या इससे भी कम रहेगा। दरअसल इस बार जेट तेजी से जेट एयरवेज के पास मौजूदा किराए के विमानों और पायलट क्रू सदस्यों को हथिया रही है। जेट के एक पायलट ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहले तो बैंकों ने एयरलाइंस का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे बंद होने पर मजबूर कर दिया। अब बंद पड़ी एयरलाइन के पास मौजूदा विमानों को धीरे धीरे प्रतिद्वंदी एयरलाइन स्पाइस जेट किराए पर ले रही है। इसके साथ ही जेट के पायलट एवं क्रू सदस्य भी स्पाइस जेट में नौकरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जेट के बाद स्पाइस जेट की दूसरी बड़ी एयरलाइन है जो बोइंग के विमान का इस्तेमाल करती है। इंडिगो, गो एयर और विस्तारा तीनों ही एयरबस के विमानों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 16 मई को पटना में होने वाले रोड शो का रूट तय हो गया है। राहुल पटना साहिब से पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पक्ष में गांधी मैदान से जाट बंगला तक रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे शुरू होने वाला ये रोड शो 7:15 बजे समाप्त होगा। पार्टी जनों की कोशिश है कि रोड शो का रूट इनकम टैक्स 2 नंबर तक हो जाए। राहुल गुरुवार को पहले पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में विक्रम में चुनावी रैली करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर के अनुसार राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शाम 6 बजे गांधी मैदान में उतरेगा, फिर रोड शो शुरू होगा। राहुल के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी की तैयारी बैठक सोमवार शाम सदाकत आश्रम में। प्रदेश में आगामी सड़की चुनावी जंग का केंद्र बिंदु अब वाराणसी बन गया है। सभी प्रमुख दल वाराणसी को केंद्र में रखकर इस चरण की सीटों पर प्रचार का अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। मतदान से पूर्व के 4 दिनों में वाराणसी की चुनावी गतिविधियों पर समूचे देश की नजरें रहेंगी। 15 मई को प्रियंका गांधी वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगी, तो 16 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में डेरा डालने की तैयारी में है। 16 मई को ही वाराणसी में गठबंधन की संयुक्त रैली भी है। प्रदेश में 7वें चरण की ये सीटें भाजपा के लिए काफी अहम है। इस चरण की सभी सीटों पर 2014 में भाजपा को विजय हासिल हुई थी। इससे पूर्व भाजपा को कभी क्षेत्र में एक तरफा जीत नहीं हासिल हुई थी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी है जिन्हें सपा बसपा के दुर्ग के रूप में पूर्व में देखा जाता रहा है। वहीं कमलापति त्रिपाठी करपतनाथ राय के राजनीतिक दौर में इस क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था।
तमिलनाडु के मंत्री टी राजेंद्र बालाजी ने सोमवार को विवादित बयान दिया है। मक्कल निधि मय्यम यानी कि MNM के संस्थापक कमल हासन के इस बयान को लेकर उनकी जीभ काट देनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी हिंदू था। अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता बालाजी ने हिंसा के बीज बोने पर MNM पर पाबंदी का भी अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग हासन के खिलाफ कार्यवाही करे। दुग्ध एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री के यहां संवाददाताओं से कहा कि उनकी जीभ काट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी हिंदू था। उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, न हिंदू न मुस्लिम न ईसाई। तो ये थे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही और न्यूज पर मुझे निशा को दे इजाजत।